प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी में आज दोपहर में सीएनजी भरने के लिए एक ओमनी कार जैसे ही आई और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। भिवंडी के नासिक रोड पर स्थित सुप्रीम पेट्रोल पंप पर एक ओमनी कार सीएनजी भरने के लिए आई और इसी दौरान स्पार्क होने की वजह से आग लग गई। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के उपकरण जो थे वो खराब, यहां तक कि रेत रखने वाली बाल्टी भी टूटी है। यानी कि इस पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के संसाधन ठीक तरह से उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहना है भिवंडी के उप महापौर इमरान वली मोहम्मद खान का, जो तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए। दमकल की गाड़ियों को भी आने में काफ़ी समय लगा। बहरहाल एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर ब्लास्ट हो जाता तो पेट्रोल पंप और आसपास के क्षेत्र में आग फैल जाती। किस तरह से पेट्रोल पंप की लापरवाही उप महापौर इमरान खान ने बताया और दिखाया भी। ये मारुति वैन के अंदर गैस भर के जैसी उसने आगे लिया और पीछे कोई गाड़ी स्टार्ट हुई, उसको स्पार्क की वजह से इसमें वैन के अंदर आग लग गई। 12:56 पे मुझे गुलाम भाई का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा यहाँ पेट्रोल पंप पे अंगार लग गई है। अब मैंने वहीं से टावर तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड का फ़ोन लग नहीं रहा था। मैंने डीसीपी साहब को फ़ोन किया, डीसीपी साहब को बोला आप वायरलेस करिए और कहीं से भी फायर ब्रिगेड भेजिए। फायर ब्रिगेड आने में कम से कम 10-15 मिनट लगा। उस दरमियान में हमने यहाँ की लोकल पब्लिक, जब हम यहाँ पर आए पेट्रोल पंप के पूरे लोग जो काम करने वाले हैं उनका मैनेजर वगैरह पंप छोड़कर भाग गए थे। जबकि होना ये चाहिए था कि उन लोगों ने खुद आके अंगार बुझाने की कोशिश करना चाहिए था। उनके पास जो भी वस्तु है वो उनका जो भी वस्तु है जिससे अंगार बुझना चाहिए था वो कोई भी चीज़ उनकी चालू नहीं थी। फायर एक्सटिंग्विशर भी चालू नहीं था। फिर मैं खुद आके मैंने बच्चों लोगों को बोला कि आप लोग चलिए, पानी यहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम नहीं है। जबकि पंप के अंदर जहाँ पर वहाँ पर यहाँ इनके ऊपर हज़ारों लीटर पानी रखना कंपलसरी है ताकि लोग बुझा देवे। ये एक भी पंप यहाँ चल नहीं रहा, आप देख सकते हैं पंप को, एक में भी चलने को तैयार नहीं, सब फेल है। जो बाल्टी वगैरह थी जिसमें रेती रखना चाहिए था सब बाल्टी टूटी हुई है। कोई भी चीज़ इसके ऊपर जो होना चाहिए था किसी ने पूरा ये नहीं किया है। और एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ की आवाम के और हम लोगों के मिलजुल कर लोगों ने, यहाँ आवाम ने आग बुझाया है बाल्टी से और पानी से। आप ये बताइए, ये फायर ब्रिगेड की फायर की बाल्टी रखी हुई है, इस तरीके की बाल्टी है, देखिए कब की बनी हुई है। ये पूरा जो है इनकी गलती है। पंप के ऊपर इनको पूरा फायर बुझाने का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए था, ये इंतज़ाम नहीं है। गैस भी है इधर, डीजल भी है, पेट्रोल भी है। खुदा ना खास्ता अगर ये ब्लास्ट होता तो ये पूरा एरिया जो है गैस से अंगार पकड़ लेता। पीछे सब कारखाने हैं, उसके पीछे सब रेजिडेंस एरिया है, पूरा एरिया जलने के चांसेस थे। आपातकालीन के जो अधिकारी है वो भी आने में यहाँ पे लेट किए अभी तो। ये लोग 15 मिनट बाद आए, इनको 15 मिनट लगा आने में, लेकिन तब तक हमारे लोग यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ मिलकर आग बुझा चुके थे। तो एक बहुत बड़ा हादसा होते बचा। लेकिन ये पंप के हम गवर्नमेंट से भी ये करने वाले, फायर ब्रिगेड को बोलते अब इसके एनओसी कैंसिल करके हमको ये पंप को बंद करना है। जब तक ये इधर का कोई सही सुविधा नहीं होगी ये पंप यहाँ चालू नहीं होने देंगे। भविष्य में ऐसा कोई ऐसा हादसा न हो इसको लेकर प्रशासन को किसी प्रकार संदेश देंगे? हम बिल्कुल प्रशासन को, अभी हमारी परसों महासभा है, महासभा में ये मुद्दा उठाऊंगा मैं। जितने भी पंप है ये पंप के ऊपर सब बराबर, हम लोग इसके ऊपर क्या क्या अंगार लगेगी, क्या क्या इनके ऊपर सुविधा होना चाहिए सब चेक किया जाएगा। उसके बाद ही इनका पंप का रिन्यूअल लाइसेंस देना चाहिए।